और नया साल छत्तीसगढ़ के लिए भी चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में आरक्षण अहम मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण पर हस्ताक्षर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल आरक्षण पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो सकते हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के दो गला, एक गला विधानसभा में कुछ बोलता है और दूसरा बाहर कुछ और बोलता है। तो वहीं आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर राज्यपाल को भी घेरा और कहा कि एक महीना बीत जाने के बाद हस्ताक्षर नहीं होना उनकी हठ धर्मिता है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब दो गला है, एक गला जो विधानसभा में सुनाई देता है, दूसरा गला है जो बाहर में सुनाई देता है। लेकिन अभी एक महीने बीतने के बाद भी राज्यपाल जी की हठधर्मिता है, कहिए कि पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का, नौजवान युवक युवतियों का जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या माना जाए, हस्ताक्षर हो सकते हैं इस साल साल के पहले दिन? बता दें कि जो आरक्षण संशोधन विधेयक बिल है, इसको लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस बीच एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देती है तो यहाँ राज्य के जो तमाम युवा है, एसटी ओबीसी और एसटी वर्ग के जो जितने छात्र छात्राएं हैं, और उन वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है। हालांकि अभी तक जो स्थितियां हैं उससे देखा जा रहा है कि इसमें उम्मीद कमी जताई जा रही है कि राज्यपाल इस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि एक महीना बीत गए हैं, विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें आरक्षण संशोधन विधेयक है वो पारित किया गया था, लेकिन अभी फिर से कल से शुरू हो रहा है विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, एक महीना बीत गया है, इसके बावजूद भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए हैं। राज्यपाल का मानना है कि जिस तरह से पहले 2012 से जब यहाँ आरक्षण लागू था जिसमें 58% आरक्षण तय किया गया था, जिसमें 32% आदिवासी समाज के लिए, 12% अनुसूचित जाति और 14% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक था, आरक्षण लागू था प्रदेश में, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई होती रही और अभी हाल ही में 2022 में इस पर हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद से जो स्थितियां निर्मित हुई जिसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। उसके बाद से जो स्थितियां उत्पन्न हुई जिसको लेकर आदिवासी समाज खासकर जिनका आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, वो सड़कों पर नजर आए थे और भाजपा की ओर से भी लगातार इसे मुद्दा बनाकर आंदोलन उठाया गया और राज्यपाल से विशेष मांग की गई कि विशेष सत्र बुलाने का भी आग्रह किया गया था, राज्यपाल ने भी अनुमति दी थी। उसके बाद ही 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का और 2 दिसंबर को सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जो आरक्षण संशोधन विधेयक में 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के लिए 32% का आरक्षण है, इसके अलावा ओबीसी समाज के लिए 27%, एससी के लिए 13% और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, सवर्ण कमजोर वर्ग है, उनके लिए 4% का आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल दिलीप, लेकिन क्योंकि यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है हम देख रहे हैं और सरकार भी तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन समाधान की ओर आखिर इस पूरे ही मसले को ले जाना होगा, इसको लेकर क्या प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं? खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सरकार लगातार ये आरोप भी लगा रही है, दो गले हैं, एक कुछ बोलता है एक कुछ बोलता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर कुछ हाल ही में बयान जारी हुआ? जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक बिल को लाया गया, वो चाह रहे थे कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का हवाला देते हुए सरकार ने ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है 14% से बढ़ाकर 27% रखा है, लेकिन उनका कहना है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है उसे सदन के पटल पर नहीं रखा गया,
उसे रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा जो दूसरे वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% का प्रावधान किया गया। हालांकि विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातें बताई थी कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग को 42% यहाँ बताया गया है उनकी जनसंख्या, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जनसंख्या है वो 3.48% बताया गया। इसी के आधार पर उनको 4% का आरक्षण उनके लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि एक तरह दूसरी ओर एससी मोर्चा, जो अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वे लगातार मोर्चा खोले हुए, उनकी मांग है कि जो उनका आरक्षण है, जिस समय मध्य प्रदेश के समय जिस तरह के आरक्षण की व्यवस्था थी, उनको 16% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसी के तहत उनको 16% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ये बातें कह रहे हैं कि क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये तय किया गया था और एसटी और एससी के लिए संविधान में प्रावधान है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर जितने प्रतिशत है उस आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग या दूसरे आयोग जो जनसंख्या उनकी निर्धारित तय करती है उसके आधार पर ही मंडल कमीशन के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण दिया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो बहस है वो जारी है दोनों तरफ से। कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री भी सीधे तौर पर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल पर वो दबाव बनाए हुए हैं और उन्हें जाकर राज्यपाल से निवेदन करना चाहिए, उनका दल जाना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि दस्तखत करें। और उन्होंने साफ तौर पर आज और आरोप लगाया कि एकात्म परिसर से ही यह बातें कही जा रही है कि दस्तखत करने से मना किया जा रहा है राज्यपाल को, इसलिए स्थितियां निर्मित हुई है। हालांकि कांग्रेस संगठन की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। कल ही जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, उन्होंने प्रदेश के तमाम जो समाज है एसटी एससी ओबीसी से जुड़े हुए करीब अलग अलग जाति वर्ग से जुड़े उनके प्रमुखों के साथ 60 से अधिक प्रमुखों के साथ मुलाकात किए हैं और उनसे समर्थन मांगा। और इसी को लेकर कल 3 जनवरी को कांग्रेस जन अधिकार रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें देखना होगा दिलीप, क्योंकि लगातार ये जो पूरा ही मामला है इसमें विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब आखिर क्या यह समाधान की ओर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर सरकार के क्या प्रयास रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।